दोस्तों, मैं हूं सीपी शुक्ला और आप देख रहे हैं कार जानकार चैनल। दोस्तों, आज हमारे पास है S5 महिंद्रा स्कॉर्पियो 2021। इसमें बहुत सारी एक्सेसरीज लगाई गई हैं इसको S11 करने में। तो आज हम इसी वीडियो में यही बात करेंगे कि आपको कौन कौन से एक्सेसरीज लगाने होते हैं इसको कन्वर्ट करने में S5 टू S11। तो एक बार मैं कार का क्विक लुक आपको दे देता हूँ, उसके बाद हम एक तरफ से शुरू करेंगे कि इस कार में क्या क्या लगाया गया है जो कि S5 को कन्वर्ट करती है S11 में। तो ये कार का एक आपको राउंड लुक मिल गया, ताकि आपको एक बार आइडिया हो जाए कि कार कैसी दिख रही है। उसके बाद दोस्तों, फर्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं इसके ग्रिल से, जो कि ये ब्लैक में आता है और S11 में क्रोम में आता है, तो ये इसमें चेंज किया गया है। इसका फ्रंट एड ऑन देख रहे होंगे, एड ऑन बम्पर इसको बोलते हैं, ये इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके बाद ये फॉग लैंप इसमें ऐड किया गया है। फॉग लैंप के बाद दोस्तों, इसमें चलें तो इसमें नॉर्मल जो व्हील आते हैं S5 में, इसको S11 का ही व्हील इसमें डलवाया गया है, जो कि थोड़ा कॉस्टली होता है। प्राइस लिस्ट दोस्तों, मैं इन सारे एक्सेसरीज़ के आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें ये पूरा ब्लैक आता है, इसका बॉर्डर जो है इसको क्रोम से किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे हैंडल पर भी इसमें क्रोम कुछ लगाए गए हैं, इसके चारों जो हैंडल हैं इसमें क्रोम के वो लगाए गए हैं। रेन वाइजर या डोर वाइजर इसको बोलते हैं, ये भी आपको क्रोम के साथ देखने को मिलते हैं। रूफ रेल आप लोग देख पा रहे हैं, रूफ रेल S5 में नहीं आता है, तो ये इसमें इंस्टॉल करवाया गया है। उसके बाद स्पॉयलर देख पा रहे हैं आप लोगों वीडियो में, इसमें S5 में नहीं आता है, S11 में आता है, तो इसमें भी ये भी इंस्टॉल करवाया गया है इसमें। उसके बाद ये ब्लैक में आता है S5 में, तो इसको भी क्रोम में किया गया है। और ये डमी एक वाइपर लगाया गया है, इसकी मोटर नहीं थी, इस मोटर के साथ भी ये सेम S11 की तरह बन जाती है S5 से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बैक रियर गार्ड लगाया गया है, ताकि पीछे से अगर कोई मोटरसाइकिल वगैरह इस पर टकराए तो इसको कुछ नुकसान ना हो। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि S5 की बैजिंग हटा के S11 की बैजिंग लगाई गई है, और सेम वही आप देख पा रहे होंगे कि इसका बेहतरीन लुक आ रहा है अलॉय व्हील के साथ। और इसमें भी सेम इधर की साइड में भी आपको ये क्रोम देखने को मिलेंगे, और ये क्रोम की बॉर्डरिंग की गई है। तो और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे S11 का एंटीना भी लगाया गया है। और ओवरऑल लुक दोस्तों, इसमें आपको कोई देख के बता नहीं पाएगा कि ये गाड़ी S5 है, इसको फुल्ली कन्वर्ट किया गया है S11 में। और इसमें एक चीज़ रह गई है जो कि आप देख पा रहे होंगे, इस पे जो S11 में इंडिकेटर आता है यहाँ पे साइड ग्लास में, और ये नहीं लग पाई है अभी तक, डीलर के पास था नहीं, तो ये भी प्लान है आगे इसको कन्वर्ट कराने के लिए, तो ये भी लगवा दिया जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो S11 में होता है और S5 में नहीं होता है। इसके साथ साथ दोस्तों, ये सब सारी चीज़ें जो आउटर में आप देख पा रहे हैं, ये जो डायरेक्ट शोरूम से लगी हैं। एक वीडियो मैं और आपको बना के बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें शोरूम से लगवानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। शोरूम के लगवाने से कुछ फ़ायदे होते हैं, थोड़ा कॉस्टली ज़रूर पड़ता है, लेकिन उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसमें आफ्टर मार्केट दोस्तों कुछ चीज़ें और लगी हैं, उसको अंदर चल के मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए, इसमें जो है एक्स्ट्रा कंफर्ट सीट कवर लगाए गए हैं, जो कि ऐसा बोला जाता था कि स्कॉर्पियो में कंफर्ट नहीं होता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए यहां पे एक्स्ट्रा कंफर्ट सीट कवर लगाए गए हैं। उसके बाद दोस्तों, इसमें सेंट्रल लॉकिंग इंस्टॉल की गई है, और सेंट्रल लॉकिंग का एक अलग से कीज आता है, मतलब कंट्रोलर आता है और इसकी कीज़ अलग से होती है। इन दोनों को कंबाइन कराने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो ये दो सेंट्रल लॉकिंग और आपकी कीज़ जो है वो एक ही कीज़ में आ जाती है। उसके बाद दोस्तों, मैं दिखाऊं आपको, तो इसमें निपॉन का 9 इंच का
स्पीकर ये स्टीरियो लगा हुआ है जो कि इस गाड़ी को अलग ही लुक देता है। और यहाँ पे कुछ खास नहीं लगी है दोस्तों, यहाँ पे आपको 7D के मैट्स दिख जाएंगे जो कि इस गाड़ी को पूरी कवर करते हैं डस्ट से। और आप देख पा रहे हैं कि ये सीट काफी अच्छी लग रही है देखने में और एक्स्ट्रा कंफर्ट है, आप लंबे सफर के लिए इस सीट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं एक छोटी सी डस्टबिन रखी गई है जो कि अच्छा होता है। और यहाँ पे गियर नॉब भी S11 में क्रोम फिनिश के साथ आता है, तो इसको भी हम लोग फ्यूचर में चेंज करने वाले हैं। तो दोस्तों ये रही है, आपके पास यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है और इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि S5 में मैनुअल AC आपको मिलती है। तो इनर में दोस्तों कुछ खास चेंजेस नहीं है, इसमें फोकल के स्पीकर्स लगाए गए हैं चारों और ट्विटर के साथ आते हैं ये। तो चारों दो फ्रंट के गेट पे स्पीकर और दो रियर गेट पे स्पीकर लगाए गए हैं। ये 9 इंच का स्क्रीन मैंने आपको दिखाई दिया, बहुत बेहतरीन है। इसका निपॉन का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके फंक्शन के साथ दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने इसको सेपरेट वीडियो बनाया है, वो मैं आप आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो मैं स्पीकर की बात कर रहा था, मैं आपको स्पीकर दिखा दूँ। दो स्पीकर यहाँ पर लगे हुए हैं दोस्तों फोकल के, और उसके बाद दो स्पीकर इसके रियर साइड में लगे हुए हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये देखिए दो फोकल के स्पीकर यहां पे लगे हुए हैं जो कि बेहतरीन आउटपुट देते हैं। इसके साथ दोस्तों आप देख पाएंगे थोड़ा यहां पे डोरों पे डंपिंग की गई है ताकि साउंड क्वालिटी अच्छी हो। उसके बाद यहां पे आप देख पा रहे होंगे JBL का एक बेस ट्यूब यहाँ पर लगा हुआ है जो इसकी साउंड क्वालिटी को एक बेहतरीन आवाज़ देता है और इसका मजा दोगुना तिगुना हो जाता है। दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, S5 टू S11 में करने के लिए ये देखिए आपको यहाँ पे एक छोटी सी लाइट दी गई है, लेकिन S11 में आपको 10 इंच की एक स्ट्रिप लाइट यहाँ पे मिलती है जो कि डीलर के पास नहीं था, तो ये लगवा दिया जाएगा, तो ये पूरी फुल्ली S11 बन जाएगी। तो दोस्तों ये रहा गाड़ी का ओवरऑल लुक, और इसमें सिर्फ 3 ही चीज़ बच रही हैं जो S5 टू S11 में नहीं है। एक तो इसका मोटराइज्ड आपको यहाँ पे वाइपर मिल जाएगा, फ्यूचर में मैं इसको इंस्टॉलेशन करवाऊंगा फुल्ली तो मैं आपको इसके सेपरेट वीडियो दे दूंगा। पहली चीज़ ये हो गई, ये बाकी है एक 10 इंच की LED इसकी लाइट आती है बैक साइड में, वो लग जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमारा बच रहा है एक LED इंडिकेटर के साथ ये पूरी बैक साइड लाइट। तो दोस्तों ये रहा वीडियो आपका, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इसकी प्राइस लिस्ट जो भी एसेसरीज इसमें लगी हुई हैं उसका मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें जो भी चीज़ें बची हुई हैं, 2-3 चीज़ें बची हुई हैं, इसका जल्दी मैं वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों को साझा करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।